नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट मावा बनाने वाले हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मावा बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, 1 कटोरी दूध लिया है और 1 छोटा चम्मच घी। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे। घी की जगह आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। इसके बाद हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर हमें पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ में चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स हो जाएंगे। और साथ ही में हमें गैस का फ्लेम लो मीडियम पे रखना है। बहुत तेज रखेंगे तो ये जल जाएगा, बहुत जल्दी जल जाता है ये। ये देखिए, ये बॉईल होते होते अभी गाढ़ा होने लग गया है। इसी तरह से हम इसे और थोड़ी देर बॉईल करेंगे और हमें बहुत अच्छे से इसे गाढ़ा करना है। ये देखिए, ये अभी बनना शुरू हो गया है। अब हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है। जब ये पूरी तरह से बन जाएगा तब हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। और अगर आपकी नॉन स्टिक कढ़ाई है तो ये उसमें बिल्कुल नहीं लगेगा, ये कढ़ाई छोड़ देता है। ये देखिए, अभी हमारा मावा अच्छी तरह से बन गया है, ये अभी रेडी हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। हमारा इंस्टेंट होममेड मावा बनके तैयार है। आप इससे कोई भी मिठाई बना सकते हैं, जैसे बर्फी, पेड़ा। इसमें हम डेसिकेटेड कोकोनट मिला के लड्डू भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे हलवे में भी डाल सकते हैं, गाजर का हलवा में डाल सकते हैं। आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। ऐसे ही लजीज रेसिपीज जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।